हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अ मध्यकालीन कविता। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन कविता बिहारी के दोहे। इसके पहले तो आज हम पढ़ेंगे बिहारी के दोहे। बिहारी जो है गागर में सागर बहन रीति काल के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। बिहारी अपने समय के असाधारण कवि थे। बिहारी सरसई सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध रचना है। इस ग्रंथ पर अनेक भाषाओं में टीकाएं लिखी गई है। आपके दोहों के मुख्य विषय श्रृंगार वर्णन अपने भक्ति और नीति विषयक दोहों के भी अत्यधिक सफलतापूर्वक रचना की है। तो जो बिहारी थे ये भी जो किसके भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। प्रस्तुत दोहों में कवि बिहारी ने श्री कृष्ण गोपिका का प्रेम, मन की शुद्धता और दान की महत्ता, मन की दुर्बलता आदि का चित्ताकर्षक वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मेनली कृष्ण की भक्ति और गोपिकाओं का प्रेम कृष्ण के लिए और जो भी है मन की शुद्धि, जैसे हमारे तुलसीदास जपसी ने कहा उसी तरह, लाइक मॉरल, इट्स लाइक मॉरल ऑनली, यू गेट सम मॉरल फ्रॉम दिस दोहा। सो फर्स्ट वन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पैराग्राफ, कनक कनक के तय सौ गुने, मादक ता अधिकाए, उही खाए बौराई, इही पाए ही बौराई। सो कनक मतलब होता है गोल्ड, सोना, सिनोनिम्स, एंड अनदर कनक मतलब धतुरा, वन काइंड ऑफ फ्रूट वी आर ऑफरिंग द गॉड शिव, जब हम भगवान शिव को देते हैं। सो एवरी वन नो शिव, शिव जो है ही इज यूजिंग दिट वन कनक। तो गिडीनेस विल कम, नशा एक प्रकार से क्या है, नशा। तो कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका है, मादकता मतलब नशा, वेन यू आर ड्रिंकिंग यू गेट सम, दैट वन इज नशा, मादकता, मदिरा, उसको मदिरा, मदिरा से होता है मादकता। तो दोनों जो कनक की यहाँ पे उन्होंने तुलना की है, ही कंपेयर्ड बोथ कनक गोल्ड एंड दिस फ्रूट्स। तो दोनों में कौन सा मोर, किसमें ज्यादा मादकता होता है, किस कौन सा ज्यादा मादकता हो, मादक होता है गोल्ड, सोना। वाई, बिकॉज उही खाए बौराए, इही पाए ही बौराए, उही खाए बौराए, बौराना मतलब होता है पागल हो जाना। वेन वी लीट दैट वन कनक धतुरा, कनक मीन्स धतुरा, सो विल गेट मेंटल, ओके, एंड will not we will be unconscious, but when you get gold, so sometime you sub going your game, you will get 2-3 lakhs gold. अगर तुम जाते हो रास्ते में सोना मिल जाता ज़्यादा, या लालच, ही इज काइंड ऑफ लालच, ग्रीडीनेस, ही गिवन मैसेज फॉर ग्रीडीनेस, द पीपल हैव मोर नशा फॉर गोल्ड, मोर देन धतुरा, 100 times मोर। सो नाउ डे सी फॉर लिस लाइक मनी गोल्ड, so what people are doing for the money gold, they are killing each other, they will kill their brothers, parents also sometimes for the money. so this message only he given Bihari ki ek sone ka nasha dhatve ke nasha se 100 guna zyada hai, ek ko khane se aadmi baur aata hai to ek ko paane se baur aata hai, so dono mein bahut डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज़्यादा, जो कनक है उसमें बहुत नशा है। दैट वन इज सो मच इम्पॉर्टेंट, सो इफ यू कांट रिमेंबर दिस दोहा, यू कैन रिमेंबर वन वर्ड, सो ऑटोमेटिकली होल यू हैव टू राइट जस्ट मोरल, ओके, नॉट मोरल, यू हैव टू राइट मोरल, नॉट यू का इफ यू कांट एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट राइट द मोरल कि खाने के सोने, खाने के धतुरे से सोने का लाल, सोने का नशा क्या होता है, 100 गुना, 100 गुना मतलब 100 times सो होता है। एक तो खाने से आदमी पागल होता है, दूसरे को पाने से पागल होता है। उसको आदमी को जब, मनुष्य को जब पैसा या सोना, जब प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलता है तो क्या करता है, पागल हो जाता है, या उसके लालच में पागल, पाने के लिए लालच हो जा, लालची होकर कुछ भी कर सकता है। जपमाला छापा तिलक, सरे न एकू कामू,
मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू. सो दैट वन ऑल्सो सो मच इम्पोर्टेंट. क्या बोल रहा है यहाँ पे बिहारी ने भक्ति के बारे में कहा. किसकी भक्ति की? मैं राम कृष्ण किसी भी है भगवान की भक्ति कही. इवन गिवन मैसेज पर भगत हो सम पीपल डूइंग सो मच पूजा जप माला छापा तिलक. जप माला मतलब वेन यू पुटिंग माला दैट वन यू पुटिंग छापा तिलक. छापा मतलब तिलक यू नो इन हेड वी आर पुटिंग रेड टीका. सो जब हमको माला जपने और तिलक लगाने से एक भी काम नहीं होता. इससे यूजलेस सरह ना एक काम हो. सरना मतलब कंप्लीट होना. इट विल नॉट वर्क. इफ यू आर थिंकिंग इफ यू आर डूइंग दिस थिंग गॉड विल हैप्पी. इट इज नॉट ट्रू. हाउ गॉड विल हैप्पी? मन काचे नाचे वृथा साचे राचे नाम. और क्या बोल रहे हैं कि जब तक हमारा मन कच्चा कच्चे मतलब इमैच्योर नाचे वृथा. नाचे वृथा मतलब इधर उधर की बातें नाचना. मन जो हमारा चंचल है अजाइल है. और वृथा मतलब इधर उधर की बात कहानी. जब तक हमारा जो मन है यहाँ वहाँ भटकता है. जो हमारा मन का कंसंट्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोर देन टिंग छापा एंड जप करने से. अच्छा राचे साचे राचे राम. तो साचे मतलब होता है प्रसन्न होना. तो जो राम भगवान है या भगवान है किससे प्रसन्न होते हैं? जब हम कोई भक्ति ध्यान से करेंगे ना कि छापा लगा के तिलक लगा के है ना. और जब तक लेकिन जब हम छापा तो लगा लेते तिलक माला तो जपते लेकिन जब हम भगवान को ध्यान से नहीं पूजा करते हैं तो क्या होता है? क्या हुआ है? मम्मी होल्ड पर रखी जाओ. क्या है? क्या हुआ? समय क्या कर रहे हैं? पता नहीं. अरे चल. तो क्या करते हैं कि भगवान कब खुश होते हैं? ये सब छापा लगाने तिलक लगाने से भगवान जो है खुश नहीं होते. कब खुश होते हैं? जब हमारा मन जो है जो हमारा मन है भक्ति में लगता है. जब हम अपने मन को मतलब एक जब हम ध्यान लगाते भगवान पे तब क्या होता है? भगवान जो है खुश होते हैं. ऐसे छप माला जपने से और तिलक लगाने से भगवान जो है खुश नहीं होते हैं. अधर धरत हरि के परत होठ ठिठी पर ज्योति हरित बांसुरी इंद्रधनुष की रंग होती. सो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दो बिहारी ने किसकी व्याख्या की है यहाँ पे या कहा है इस दोहे में? यहाँ पे कृष्ण की सुंदरता. द गॉड कृष्ण हाउ मच ही इज ब्यूटीफुल और हाउ मच ही इज लुकिंग नाइस. बहुत सुंदर उनकी छवि थी कृष्ण की. इसलिए बहुत सारी गोपियाँ उनके पीछे पागल थी. तो यहाँ पे मतलब उनमें वो था मोहने वाली छवि थी उनकी है ना कृष्ण की. तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो है जो कृष्ण की पूरे शरीर की सुंदरता का वर्णन किया. क्या किया है वर्णन यहाँ पे? सी हाउ मच ही इज ब्यूटीफुल लॉर्ड कृष्णा. सो अधर धरत है हरि के परत होठ डिटी पर ज्योति. अधर मतलब होठ धरत मतलब धरना. हरि के परत होठ डिटी पर होठ मतलब लिप्स डिटी मतलब दिस वन. डिटी मतलब होता है दृष्टि आइस और पट मतलब कपड़ा ज्योति मतलब चमक. सो क्या बोल रहे हैं जो कृष्ण की कितनी सुंदरता है देखो कितने परत है. हरि के परत मतलब हाउ मेनी लेयर्स है ही हैव मीन्स. अच्छा आई विल टीच लाइक दैट. हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती. हरित बांसुरी मतलब सी द लॉर्ड कृष्ण विच कलर बांसुरी ही इज होल्डिंग? ग्रीन कलर है ना. सो व्हाट हैपन व्हेन एक्चुअली दिस वन व्हेन यू विल राइट नोट्स दैट टाइम ओनली विल अंडरस्टैंड मोर. जब क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण की देखो कितनी सुंदरता जो हरी जो है कितने परत कितने लेयर सुंदरता की रखते हैं. कितनी परत सुंदरता लेयर मतलब परत. हाउ एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल आईज ड्रेस है ना स्किन एवरीथिंग. सो क्या बोल रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी हैं बहुत उनकी सुंदरता है. जैसे उनकी आँख की सुंदरता उनकी होठ की सुंदरता उनके कपड़े उनकी ज्योति मतलब चमक. तो और अधर देखो तो अधर है लाल लिप्स है लाल ओठ जो है वो भी लाल है. और डिट्टी मतलब
रिटि मतलब होता है दृष्टि, पट मतलब पीले रंग के वस्त्र, ही इज वीरिंग येलो कलर, ज्योति मतलब ब्लू, कृष्ण मेनली वी आर टेलिंग कृष्ण इज ए सांवला रंग, उनका रंग कैसा था सांवला रंग, लेकिन जो सांवले रंग में वो भी बहुत ज़्यादा चमक थी उनके शरीर में। सो जब कृष्ण जी हैं बांसुरी, व्हेन ही इज होल्डिंग दैट वन फ्लूट, उनकी बांसुरी कैसी थी कृष्ण जी की, बांस की बैम्बू बांसुरी, इट इज व्हाट इट वाज ग्रीन कलर। सो व्हेन एवर ही स्टैंडिंग एंड होल्डिंग दैट बांसुरी, सो सभी के रंग जितने भी उसमें लाल रंग होठ के है ना, और आंखों का काला रंग, कपड़े का पीला रंग और नीला रंग, शरीर का नीला रंग, ये सभी उस बांसुरी पे रिफ्लेक्ट होता था। मीन्स जब उस बांसुरी में पड़ता है रंग जो है तो कैसा दिखता है, इंद्रधनुष, इट विल मेक रेनबो कलर्स। सो नाउ अंडरस्टैंड कि जो हरी है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो जब हरी बांसुरी लेकर खड़े होते हैं, जब वो बांसुरी बजाते हैं ध्यान मुद्रा में, तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। कैसे, जो उनके होठों का लाल रंग, उनके आँखों का काला रंग, उनके कपड़े का पीला रंग, और जो उनका ड्रेस, जो उनका रंग है, सभी किस में पड़ता है, बांसुरी में। और जो बांसुरी जो है बहुत अत्यधिक, जब वो पूरा इंद्रधनुष जैसा बनाता है रंग जो है।